हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज हुई फिल्म बॉब विश्वास को लेकर, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री एंटरटेनर फिल्म। फिल्म काफ़ी अच्छी है, कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया है और इसको डायरेक्शन दिया है दिया अनुपमा घोष ने और जो उसकी स्क्रिप्ट है उसे तैयार किया है दिया अनुपमा घोष के फादर सुजय घोष ने। कहने को ये एक हिंदी टू मिक्स बंगाली फिल्म है और जो कि ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। प्लेटफॉर्म था इसका G5, जो कि गाइज इतना खास तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है और काफ़ी बढ़ता हुआ जा रहा है। डे बाई डे काफ़ी अच्छी मूवीज़ एक्वायर कर रहा है। वेल मैं आपको कहूँ ना, अगर तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, लेना चाहो तो, क्योंकि बैक टू बैक हर वीकेंड पर इस पर नई नई मूवीज़ आ जाती है। अब ऐसे में बात करें फिल्म बॉब विश्वास को लेकर, जिसका कि बजट है महज 30 करोड़ रुपये। प्रोड्यूस किया जाने माने बैनर रेड चिलीज एंटरटेनमेंट्स यानी कि शाहरुख खान के बैनर ने, और लीडिंग में नज़र आ रहे हैं अपने अभिषेक बच्चन, जिन्होंने इसके लिए जी तोड़ मेहनत की है। अब ऐसे में बात आती है फिल्म के कलेक्शन को लेकर, तो आपको बता दूं जो ये फिल्म है काफ़ी अच्छी चल रही है। रिलीज़ हुई आज इसको लगभग से लगभग 38 दिन पूरे हो चुके हैं और जो कलेक्शन आ रहा है इस फिल्म का 38वें दिन वो है 30 से 40 के आसपास, यानी 30-40 लाख रुपये कमा रही है ये आज भी। और इसी के साथ जो कलेक्शन हो चुका है फिल्म का अभी तक वो हो चुका है कम से कम 145 करोड़ 75 लाख रुपए। वेल आप फिल्म को लेकर क्या कहना चाहोगे, आपकी क्या है राय कमेंट में बताइएगा, और जो इशू हो फिल्म को लेकर वो भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो हो चुकी है, बोले तो यार फिल्म हो चुकी है ब्लॉकबस्टर। वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब।